नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC में ये वैकेंसी निकल के आई है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन। जी हाँ दोस्तों, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में लगभग यहाँ पे आपको 3270 पदों पर ये वैकेंसी निकली है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, कितनी सैलरी है और क्या कितनी उम्र मांगी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार से आने वाली कोई भी सरकारी नौकरी की नई सूचना आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यहाँ पे डेट जो दिया गया है 29/9/2020 से 28/10/2020 तक ये जो फॉर्म है आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन होगा। चलिए यहाँ पे पदों की संख्या की बात कर लें तो, और पदों की नाम की बात करें, यहाँ पे पद नाम, पद का नाम जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक, ठीक है, और उसका उसके बाद है होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, उसके बाद है आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक, उसके बाद है यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, उसके बाद है आयुष फिजिशियन यूनानी। टोटल पदों की संख्या जो है देखिए यहाँ पे नीचे में दिया गया है, सबको ऐड करके 3270 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दे दिया गया है, देखिए सभी कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, डिटेल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, डिटेल में यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। और सैलरी की बात करें तो ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे है, 9300 से 34800 रुपये यहाँ पे सैलरी दी गई है। तो चलिए बात करते हैं, अब यहाँ पे सैलरी की बात हो गई है, पदों की संख्या की बात हो गई है, अब शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं कि क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन आयुर्वेदिक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS की डिग्री आपके पास होनी चाहिए पहले पद को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा है होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन होम्योपैथिक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BHAS, देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सी डिग्री है, यानी कि यहाँ पे डिग्री का नाम लिखा गया है BHAS से आपको, अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला है यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी एवं आयुष फिजिशियन यूनानी किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त BUMS, ठीक है, BUMS डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म भी दे दिया गया है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो मेडिकल फील्ड से हैं उनके लिए स्पेशली ये वैकेंसी निकली हुई है, आप अप्लाई करें। अगर आपने इस किन्हीं पदों में से किन्हीं डिग्री को आपने अगर अचीव किया है, कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 1/8/2020 तक आपकी उम्र जो है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल और ओबीसी बीसी कैटेगरी के लिए आपके पास 42 साल उम्र या 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, और चयन की प्रक्रिया यहाँ पे दे दी गई है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो डिग्री के प्राप्तांक पर 60 अंक दिए जाएंगे, उसके बाद अनुभव जो है, जो आपने डिग्री ली हुई है उसके अनुसार 15 अंक दिए जाएंगे, और बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आपने कहीं कार्य का अनुभव है आपके पास तो आपके 25 अंक दिए जाएंगे, टोटल 100 अंक आपको दिए जाएंगे। और डायरेक्ट इसी पे ये आपका मेगा सूची तैयार होगा, संविदा के लिए वैकेंसी है,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, संविदा आधारित वैकेंसी है ये। यहाँ पे देख लीजिए 28/10/2020 तक यहाँ पे लास्ट संविदा आधारित और कार्यरत अवधि का अपने कार्यालय प्रधान द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का साक्ष्य ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करें। तो ये दोस्तों वैकेंसी है। यहाँ पे दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे यहाँ पे दे दिया गया है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ लेंगे खुद अपने से। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है। आपको फॉर्म आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क दे दिया गया है, 200 रुपये लगेंगे आपको जनरल कैटेगरी के लिए, और SC/ST के लिए आपको 50 रुपये लगेंगे, बाकी राज्य के बाहर के उम्मीदवार के लिए 200 रुपये लगेंगे, जनरल कैटेगरी का फ़ी लगेगा। तो ये पूरी डिटेल है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, दे दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके पूरे डिटेल में पढ़ के और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें तो अप्लाई करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।